बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। Oh darling, you're so sweet. कौन है तू? तू वापस आ गए? कौन लाया तुझे? उसका भाई। बहुत जल्दी तेरी आंखों का पानी चला गया, जो अपने बेटे को नहीं पहचान रही। कौन सा बेटा? मेरा बेटा मर चुका है। लगता है ये कोई बदमाश है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। हेलो, एसपी साहब, मैं दीवान बोल रहा हूँ। हमारी हवेली में निर्मल की शक्ल का एक आदमी घुस आया है, कोई बहरूपिया। बहरूपिया? आप फौरन पहुंचाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। राजा पहुंच गया। कर लिया फोन? आइए एसपी साहब, आइए आइए। एसपी साहब, क्या जमाना आ गया है। चोर मेन गेट से सीना तानकर सीधा हमारे घर में घुस आया, तकदीर के सितम से। कहां है वो? क्या बात है एसपी साहब? इतनी रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हो? इन लोगों का मानना है कि तुम सही माने में निर्मल चिनॉय नहीं हो, कोई बहरूपी हो। इन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया? क्या तुम निर्मल कुमार को नहीं पहचानते? पहचानता हूं, लेकिन यह भी हकीकत है, निर्मल मर चुका है। उसकी चिता मेरी आंखों के सामने जलाई गई। हो सकता है कि मरने वाला कोई बहरूपिया हो। तुम बहरूपी नहीं हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरी सूरत, मेरी शख्सियत किसी सबूत की मोहताज नहीं। मैं निर्मल कुमार हूं, राय बहादुर चिनॉय का बेटा, इस एस्टेट का वारिस। हाँ, अगर इनके पास मेरे निर्मल ना होने का सबूत हो तो पेश करें, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एसपी साहब, इसकी बातों पर यकीन करने की भूल मत कीजिएगा, ये मेरा बेटा नहीं है। हाँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैं निर्मल कुमार हूँ। तू निर्मल नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है। बहरूपिए, निकल यहाँ से। मिसेस चिनॉय, जब तक इसके बहरूपिया होने का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक यही रहेगा। अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई बेजा हरकत की या कोई ज्यादती की, तो मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। अरे बहना, सब कुछ हाथ में आके जाते हुए दिखाई दे रहा है, तकदीर के सितम से। एक बात बता थापा, तूने उस निर्मल को उड़ाया कैसे? निर्मल को मैंने नहीं उड़ाया, वो तो एक हादसा था जिसमें वो मारा गया। निर्मल को भगवान ने खत्म करके
हम दोनों का काम आसान कर दिया। मैंने तो उस केस की फाइल भी बंद कर दी। देख राजा, अब जितनी जल्दी हो हवेली से माल निकाल कर खिसक ले और होशियार रहना। सारे कागजात तैयार हो गए हैं, कल तक जायदाद आपके नाम हो जाएगी। कल क्यों? देखिए, हमारी तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर कोई आदमी प्रॉपर्टी पर क्लेम या दावा नहीं करता है तो विल के मुताबिक जायदाद आपकी हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, अगर शाम तक किसी ने आकर क्लेम नहीं किया तो कल मेरी जायदाद इनके नाम कर दी जाएगी। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया वकील साहब? मैं निर्मल हूं। आप जिंदा हैं? मरे नहीं? मरा होता तो तुम्हारे सामने कैसे आता वकील साहब? लेकिन मेरे पास तो आपका डेथ सर्टिफिकेट भी है। अच्छा? हाँ, और मैं तो आपके चौथे में भी शरीक हुआ था। मतलब तुम भी पूरी तरह इन लोगों के साथ हो? नहीं 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 निर्मल बाबू, मैं किसी के साथ नहीं हूं। मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूं कानूनी तौर पे कर रहा हूं। तुम मुझे कानून मत सिखाओ। तुम मेरी प्रॉपर्टी हत्याने के लिए इन लोगों की मदद कर रहे हो, मगर याद रखना अगर तुमने मेरी जायदाद के साथ जरा भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें फ्रॉड के केस में नंगा करके अदालत में खड़ा कर दूंगा। नहीं 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 निर्मल बाबू, मैं इस केस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मामा मानिक चंद, मुझे माफ करना भैया, मैं केस लड़ता हूं, केस में फंसता नहीं। तो क्या तू जायदाद मेरी बहना के नाम नहीं करेगा? ए फैजाबादी, किस जमीन की बात कर रहा है तू? हवेली मेरी, जायदाद मेरी, एस्टेट मेरी, ये तेरी बहना कहां की मालकिन हो गई? खामोश, चिल्ला मत। मैं इसका क्या करूं? इसकी बत्ती बना लेना। हाय, वो अंदर आने न पाए। क्या हो, घेर लो इसे। यही है वो भैरूपिया जो तुम्हारे मालिक निर्मल की जगह लेना चाहता है। मार डालो इसे। ये फैक्ट्री मेरी है। जो कोई मुझे भैरूपिया समझता है वो ये फैक्ट्री छोड़कर जा सकता है। तुमने हथियार नहीं उठाए, क्या तुम्हारी नजर में मैं बहरूपिया नहीं हूं? मेरी नजर में तुम निर्मल भी नहीं हो। निर्मल बाबू अपने वर्करों के लिए लड़ते थे, वर्करों से नहीं लड़ते थे। यही वो जगह है ना संध्या, जब इनाम बांटते वक्त मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। यही वो जगह है जहां तुम्हारे हक के लिए मैं दीवान से लड़ा था। यही वो जगह है जहां मां ने तुम्हें बहू माना था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए अपने निर्मल होने की सफाई मैं तुम्हें दे रहा हूं, वरना खामोश यहां से चला जाता तुम्हें भी छोड़कर। अब तुम और तुम्हारा दिल जो फैसला करे मुझे मंजूर है। निर्मल, हम क्या फैसला करेंगे? हम खुद तुम्हारी झूठी मौत पे इतना रोए हैं कि आज तुम्हें जिंदा देखकर मुस्कुराए भी नहीं जाता। आ गई ना तुम भी इसकी बातों के फरेब में। इस लुटेरे के हाथों बर्बाद हो जाओगे, इस फैक्ट्री के साथ साथ तुम सबको बेच देगा। मैं कहता हूं रोक लो इसे। ये सब क्या हो रहा है? वही जो तुम चाहते थे, इस बहरूपिया ने फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लिया। तुम इस बहरूपिया का साथ दे रहे हो मगर तुम इसका अंजाम नहीं जानते। मैं तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूं मेरी पहुंच,
तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। बलदेव दीवान, पर कटने के बाद तो परिंदा भी उड़ान भरना बंद कर देता है। तेरे तो हाथ पांव दोनों कट चुके हैं। अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना कानून का पट्टा तेरी गर्दन में डाल दूंगा। फिर लोग कहेंगे अच्छा खासा आदमी था, कुत्ता बना दिया। आईजी साहब, एसपी थापा मुझे धमकी देता है, कहता है कानून का पट्टा मेरे गले में डाल देगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ आईजी साहब, ये एक साजिश है जिसमें एसपी थापा भी शामिल है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आईजी साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एसपी थापा शुरू से ही उस बहरूपे की रहनुमाई कर रहा है। हम जब भी उसे बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, थापा वहां पहुंच जाता है और उसे गलत साबित करने की बजाय हमें गलत ठहराता है। लेकिन क्यों, उस बहरूपिये को निर्मल साबित करके थापा को क्या मिलेगा? निर्मल के नाम जुड़ी करोड़ों की दौलत, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आईजी साहब, ये तमाम तस्वीरें चिनाय खानदान के पूर्वजों की हैं। ये साल में सिर्फ एक बार बरसी के वक्त निकाली जाती हैं। आज निर्मल के दादा की बरसी है, उसे अपने दादा की तस्वीर पहचाननी होगी। अगर वो अपने दादा की तस्वीर नहीं पहचान पाया तो आज आपके सामने ये साबित हो जाएगा कि वो बहरूपिया है। वैसे इनमें से उसके दादा की तस्वीर कौन सी है? वो तीसरी। सर, मिस्टर थापा, क्या वजह है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद आज तक ये केस सुलझ नहीं पाया? फिर पुलिस, ये मेरी हवेली है या मुजरिमों का अड्डा? अबे जहां तेरे जैसे गुंडे हों वहां पुलिस नहीं आएगी तो क्या फैजाबाद से साधु संत आएंगे तकदीर के सितम से? आए बोल भैया। पंडित जी, हार दीजिए। ये सब क्या है? याद नहीं तुझे? आज तेरे दादाजी की बरसी है, तुझे उनकी तस्वीर पर हार पहनाना है। हैरान क्यों हो गया? अपने दादा की तस्वीर नहीं पहचानता? पहनाओ भांजे, आज तुम्हारे बाप के बाप की बरसी है तकदीर के सितम से। कम ऑन, डू इट। आईजी साहब, देखा आपने, सच्चाई आपके सामने आ गई। ये निर्मल नहीं, बहरूपिया है। मिस्टर थापा, अरेस्ट हिम। सर, इंस्पेक्टर। सर, मिस्टर निर्मल कुमार चिनॉय, You are under arrest. मेरी गिरफ्तारी की वजह? इसलिए कि तुम बहरूपे साबित हो गए हो। ये तस्वीर दादा की नहीं, कुलगुरु की है। जानता हूं पंडित जी। दादाजी की तस्वीर ये है। जब तुम ये जानते थे कि ये तुम्हारे दादाजी की तस्वीर नहीं है तो फिर तुमने इस तस्वीर पर हार क्यों डाला? वो इसलिए, शायद इस घर के लोग भूल गए हों, लेकिन मुझे अपने घर की परंपरा आज भी याद है।
हमारे घर में सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता है, और दादाजी तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा मानते थे। अब आप ही सोचिए, अगर मैंने गुरुजी से पहले दादाजी को हार पहनाया होता तो दादाजी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती। मगर अब एक बात याद रखिए, मैंने हर कदम अपने निर्मल होने का सबूत दिया है। आज के बाद अगर दोबारा पुलिस मेरे घर पे आई तो मुझे मजबूरन पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर निर्मल, आप शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ, आज के बाद अगर इन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यादती की तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पंडित जी, मेरी मां की तरफ से गरीबों को खाना खिला देना।